गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन ENGTSC 102। नाउ डेज वी आर गोइंग थ्रू अ सेक्शन विच डील्स विद कलर डिस्क्रिमिनेशन। कुछ एक चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। वन इज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उससे पहले हमने ब्लैकआउट किया था, क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड विद यू, एंड देन वी रेड हार्लेम, क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड विद यू, देन वी रेड आर लास्ट पोएम्स ऑफ दिस सेक्शन स्टिल आई राइज। तो ये जो पोइम है इसको हमने डिटेल में कर लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो सेंड किया है इसका, और क्वाइट अ लॉन्ग पोइम विद इंक्लूडिंग योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। एंड नाउ आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो कंपेरेटिव होते हैं, जिसमें आपको एक ऑथर का दूसरे ऑथर से कंपेरिजन करना होता है। सो इन फर्स्ट ईयर द वे यू आर फॉलोइंग द थिंग्स, लाइक जिस तरह आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, अपना तो लिख रहे हो ना, लर्न कर रहे हो ना, आपकी क्वायरीज हैं ना आपके क्वेश्चन हैं, इट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल गो थ्रू वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंपेरेटिव हम नहीं करेंगे। जबकि इसके जो कंपेरेटिव क्वेश्चन है उसमें एक फीमेल ऑथर हु इज़ ओप्रेस्ड, ठीक है, तो वो आपका आराम से क्वेश्चन निकलता है जो बामा का दूसरी बुक में, जो बामा का आपने पढ़ा है ना करुको, मैंने आपको इसके इंट्रोडक्टरी में भी बताया था, तो वहाँ जाके बड़ा सेट होता है ये कि एक फीमेल अपने आप को एसर्ट कर रही है, अपनी वजूद को एसर्ट कर रही है, वो लिख रही है। तो वही कंडीशन मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में बताई थी कि जिस तरह से जो हमारा जो दलित वर्ग था उनका दलित लिटरेचर आया है, तो उसमें अगर किसी फीमेल ने लिखा है, जैसा हीरा बांसोदे का जो पोइम है विच डील्स बूजम फ्रेंड इज़ द टाइटल ऑफ द पोइम, एक वो पोइम हम डाल सकते हैं इसमें, लेकिन यू वॉन्ट बी एबल टू गो थ्रू दैट। उस चीज़ को आप पढ़ तो लोगे लेकिन आप अपने आप उसको लिख नहीं पाओगे, कंडेंस नहीं कर पाओगे। तो हम इस पोइम के उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे विच आर वेरी इजी, जिनको हम इंट्रोडक्टरी से उठा सकते हैं या सेंट्रल पार्ट ऑफ द पोइम से आराम से उठा के उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर एड्रेसेस यू सेवरल टाइम्स इन द पोइम। अगर आपने ढंग से मेरा वीडियो सुना होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था कि राइटर जहाँ आया एड्रेस कर रही है, शी इज़ नॉट एड्रेसिंग हर सेल्फ ओनली, शी इज़ रेफरिंग टू एंटायर कम्युनिटी ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको वो रेफर कर रही है कि उनको राइट्स नहीं मिले हैं, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले, उनको एजुकेशन का राइट नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ राइट्स वर देयर विच वर नॉट गिवन टू देम, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, तो वो संघर्ष कर रहे थे राइट्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, द राइटर रेफर्स एड्रेसेस यू सेवरल टाइम्स इन द पोएम, हु इज मेंट बाय यू एंड हाउ कैन वी टेल। डेफिनेटली इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन वी कम टू नो दैट द राइटर हर सेल्फ इज शी इज़ एड्रेसिंग हर सेल्फ एज आई एंड एज वेल एज एड्रेसिंग द एंटायर कम्युनिटी ऑफ हर्स। कौन है एंटायर कम्युनिटी? अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो अमेरिका में सेटल हैं, वो अफ्रीका के लोग जो अमेरिका में सेटल हैं, और यू इज़ रेफर टू द वाइट पीपल ऑफ अमेरिका। सो जो वाइट पीपल थे दे कैप्ट अफ्रीकन अमेरिकन एज स्लेव्स फॉर यू नो फॉर एजेस, बट देन अफ्रीकन अमेरिकन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट उनको वो राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। कुछ अमेरिकन पीपल वर ऑल्सो विद देम, अब्राहम लिंकन को हम नहीं भूल सकते, मार्टिन लूथर का रेफरेंस है। अब आप पढ़ते नहीं हो तो कहाँ से बताऊँ आप लोगों को, मार्टिन लूथर की एक स्पीच है, ठीक है, तो उसमें जो है वो क्लियर कट लिखा गया है कि वो डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द रूलर्स, कि किस तरह से वो इक्वल राइट्स की वो डिमांड कर रहा है। तो उसके बारे में तो मैं रेफर ही नहीं करूँगी आपको, क्योंकि आपने आज तक मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो दिक्कत दे रहा है। सो जिस तरह की अनटचेबल्स की कंडीशन थी इंडिया में, सेम वाज द कंडीशन ऑफ दिस अफ्रो अमेरिकन पीपल इन अफ्रीका अमेरिका। सो दे सफर्ड अ लॉट, हिस्ट्री जो है वो इट वॉज़ वेरी पेनफुल, देयर हिस्ट्री वॉज वेरी पेनफुल, एंड द वाइट पीपल दे लिव्ड इन ग्रेट कम्फर्ट, बट द ब्लैक पीपल दे वर not given any facility, basic communities were not even given to them. I've got oil wells, I've got gold mines, I've got diamonds, what is the effect of repetition and particular images used? ये images used हैं, देखो if one has oil wells, Arabian country में रहने वाले लोग हैं, वो are very very rich, they are the owners of oil wells, she is referring to I've got gold mines, she is referring to Africa where you know large number of gold mines are there, people are very very rich because of those gold mines, और गोल्ड सेल करते दे कैन बी वेरी रिच, उनके पास जब तक माइंस हैं तब भी वो रिच है ना। शी इज़ रेफरिंग टू आई गॉट डायमंड, डायमंड्स, फिर वो जाके फिर अफ्रीकन कंटिनेंट को वो रेफर कर रही है। शी इज़ एक्सप्रेसिंग दैट शी इज़ वेरी वेरी रिच, शी हैज़ वेरी कल्चर रिच कल्चरल हेरिटेज शी हैज़, लेकिन उन लोगों को अमेरिका में ला के जो दास बना के वो छोड़ दिया गया है। सो शी इज़ रेफरिंग टू ईच एंड एवरीथिंग एंड शी इज़ सेइंग दैट शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ वाइट पीपल, कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मेरी अपनी क्वालिटीज़ हैं, मेरे अपने गुण हैं, एंड मैं तुम्हारी उस पर काइंडनेस पे भी डिपेंड नहीं हूँ।
आई कैन लिव माई लाइफ इन माई ओन वे. दिस इज़ वाई उसने जो है रेपिटेशन करके इन वर्ड्स को एम्फेसिस देने के लिए यूज़ किया हुआ है. इन सम ऑफ अदर सिमिली स्पीकर कंपेयर्स हर सेल्फ टू मून सन्स एंड अदर नेचुरल फिनोमिन एंड वॉट डू यू थिंक शी मीन्स टू कन्वे बाय सच इमेजेस. उसका बोलने का ये मतलब है ना कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग दे वर ब्रॉट एज स्लेव्स, फाइन, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स एक हद तक. फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आनी शुरू हुई. नाउ दे शुडंट बी ट्रीटेड लाइक स्लेव्स फॉर ईयर्स, दे हैड बीन फॉर डिकेड्स, फॉर सेंचुरीज. वो लोग अमेरिका में रह रहे थे तो जो जहाँ रहता है उसके राइट्स क्लेम होते हैं, वहाँ पे राइट्स बनते हैं. तो उनका तो बेसिक घर ही अफ्रीका ना होके अमेरिका था, ठीक है. तो जो सिमिलीज उसने कंपेयर करने के लिए यूज़ की हैं मून्स की सन की, वो क्या है कि ईच एंड एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन डूइंग हिज और हर वर्क. अपना काम वो कंटिन्यूसली कर रहा है, फुल ऑफ एनर्जी है, वो कभी डिले नहीं करता. और वो क्या करता है कि जैसे सूर्य उदय होने का टाइम है, मून राइज होने का एक टाइम है, वक्त पर उदय होते हैं. अपने काम से कभी वो आनाकानी नहीं करते. दे डोंट अवॉइड देयर वर्क. व्हेन इट इज़ असाइंड मॉर्निंग है तो मॉर्निंग इज़ मेंट फॉर सन एंड इवनिंग इज़ मेंट फॉर मून. एंड टाइड्स दे कीप ऑन राइजिंग हाई एंड गोइंग लो ऑल्सो. तो हमारी जो झील है, हमारा उत्साह है, हमारा संघर्ष है, हमारा स्ट्रगल है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम वैल्यू. सो शी फोकसेज ऑन हर स्ट्रेंथ एंड अबिलिटी टू स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन पीपल एंड शी इज स्पीकिंग फॉर द ब्लैक रेस ऑफ अमेरिका एंड शी इज फोकसिंग ऑन हर इनहेरेंट गुडनेस, देयर स्ट्रगल, देयर क्वालिटीज, देयर इंटेलिजेंस, ईच एंड एवरीथिंग थिंग. जस्ट जितनी मर्जी इंटेलिजेंट रेस है, अगर आप उसको एजुकेट नहीं करोगे तो वो क्या होगी, वो बिल्कुल डल हो जाएगी, क्योंकि आप सप्लाई तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, उसके ब्रेन को तो फूड दे नहीं रहे हो. सेम वॉज द केस विद अमेरिकन. लेकिन धीरे धीरे वेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दे वॉन्टेड टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्ट्रीम वेयर दे वर लिविंग. एंड वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हार्ट्स ऑफ हिस्ट्री स्ट्रीम. अगर आप पास्ट में जाओगे, हिस्ट्री क्या है, इतिहास है, अगर आप पास्ट में जाओगे तो एफ्रो अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन पीपल दे वर ब्रॉट फ्रॉम, उनको लाया जाता था अफ्रीका से जहाज़ों में, जैसे कपल को लेके आए वो, तो कपल को ही वो किसी को सेल कर देते थे. अब जब कपल को किसी कपल को सेल किया अमेरिकन को, तो जब उस कपल के बच्चे होते थे अमेरिकन के, तो जो अफ्रीकन कपल के बच्चे होते थे वो बॉन्डेड लेबरर्स, बंधुआ मजदूर टाइप, वो उन्हीं के लिए काम करते थे. फैमिली वाइज चलता रहता था उनका. एंड इट वाज रियली वेरी शेमफुल कि उनको ना तो उनको कोई अधिकार नहीं थे, तरह तरह के उनको टॉर्चर्स किए जाते थे, मेंटल थे, फिजिकल थे, बहुत कुछ था. और उनको पैसे भी नहीं देते थे वो लोग, दे वर नॉट पेड अकॉर्डिंगली, उनको कुछ भी नहीं मिलता था. सो दैट थिंग इज़ रेफर टू एज हर्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज शेम. सो उनको थर्ड क्लास सिटीजन मानते थे, जैसे इंडियंस को ब्रिटिशर्स मानते थे, है ना. दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी इन स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, दे वर नॉट अलाउड टू विजिट एनी होटल, इन और रेस्टरूम, एंट्री भी अलाउड नहीं थी. एंड देवर गिवन, उनका जो फूड बेच ग्रोसरी की जो शॉप्स थी, वो आपने हरलम में पढ़ा है कि जैसे गेटोज में जो है वो सड़ा हुआ मीट वो बेचते थे, तो दैट वाज गिवन टू दिस पीपल. वो उन लोगों के जो मार्केट्स होती थी, दासों की जो बाजार था ना स्लेव्स का, विच वॉज मेंट फॉर दिस अफ्रीकन अमेरिकन पीपल. तो वहाँ पर क्या था, दुनिया भर का जो सड़ा हुआ सामान होता था, स्पॉइल्ड सामान होता था, इट वॉज बींग गिवन, इट वॉज सोल्ड टू दिस पीपल. तो डिस्पाइट यू नो, जो इनको मिनिमल अमाउंट मिलता था, थोड़ा बहुत, से वहाँ से उनका जो सामान है वो जाता था. सो हार्ट्स ऑफ हिस्ट्री शेम्स रेफर टू द गेटोज ऑफ ब्लैक पीपल. एंड व्हाट आर द इनहेरिटेड गिफ्ट्स दैट राइटर ब्रिंग्स विद हर. सो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग अनहेल्दी कंडीशंस में घरों में काम करते थे, चाहे अच्छा है बुरा है जैसे भी है, जिसने खरीद लिया उसी के पास उन्होंने काम करना है. उनके बच्चे भी उन अगले जो जनरेशन होती थी ओनर की, उसके वहाँ पे काम करते थे. और दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट द ओनर ऑफ देयर्स. वो वाइट पीपल के अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वाइट पीपल लाइक जनरल फंडा है दैट वी आर बॉर्न रूरल रूलर्स. और जो जो ब्रिटिश पीपल हैं, जैसे हम गेहूँ रंग वाले लोग हैं, या फिर जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन पीपल हैं, दे आर बॉर्न स्लेव्स. अब आपको भी पता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन होने का क्या रीज़न है. अगर सदरन एरिया की तरफ चले जाओगे, आप भारत के साउथ में चले जाओगे, तो वहाँ क्या है, वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं. सेम इज़ द कंडीशन विद अफ्रीकन पीपल. उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, स्टाउट
हार्ट होते हैं, स्ट्रांग बॉडी होती है, सो दैट इज़ देयर बिल्ट अप, उनके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, वहाँ की कंडीशंस हैं, जिन्होंने वहाँ स्ट्रगल कर करके उस टाइप की उनकी बॉडी है, उस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है. सो वी कांट से कि एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान जो है वो इंफीरियर है और हम सुपीरियर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो जो वाइट पीपल हैं दे एवर कंसिडर देमसेल्व सुपीरियर, एंड जो थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी होगा ना उसको, वो लगता है, उनको लगता है कि ये तो एक बॉर्न या पैदाइशी नौकर है जो हमें हमारी सेवा करने के लिए है. आपने कभी विलियम ब्लेक की पोइट्री अगर कभी आप पढ़ोगे, यू विल कम टू नो, तो उसमें जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं डील विद द सेम थिंग, कि वाइट पीपल दे आर बॉर्न रूलर्स एंड वी पीपल आर लाइक बॉर्न स्लेव्स, तो उसी चीज़ को उसमें जो है वो बताया गया है. सो जो आपका बताया है कि इनहेरिटेड गिफ्ट्स क्या हैं, कि इवन इफ दे आर एक्सप्लॉयटेड, दे आर टॉर्चर्ड, दे आर टॉर्मेंटेड, तो उनकी क्या है, उनका करेज है, उनकी पेशेंस है, उनके सेक्रीफाइसेस हैं. इफ नाउ दे आर आस्किंग फॉर इक्वल राइट्स, देखो वो लोग कितनी मेहनत करते थे, उनका हार्ड वर्क है, उनकी ऑनेस्टी है, उनका डेडिकेशन है, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं ना उन लोगों में, बट इवन देन दे आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स. तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ वो अफ्रीका से अपने साथ लेकर आए हैं, ठीक है, और इन क्वालिटीज़ को उन्होंने दिया भी है वाइट पीपल को, लेकिन तब भी वाइट लोग जो है उनको उनके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, ना वो चाहते हैं कि वो लोग एजुकेटेड हों, क्योंकि अगर ब्लैक पीपल जो है वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग इक्वल राइट्स, वो बराबरी के अधिकार की डिमांड करेंगे, वो कहेंगे कि हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें बाहर अंदर जाने के लिए राइट्स भी चाहिए, अपने और तरह तरह के अधिकारों के लिए वो अवेयर हो जाएंगे. तो अवेयरनेस को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है एजुकेशन को बैरियर लगा दो कि एजुकेशन नहीं देनी है. तो अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हो ना, अपने सिलेबस को नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी तो उस चीज़ पर बैरियर ही लगा रहे हो, ठीक है. यू वोंट कम टू नो एवर की डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी कैसे आती है. यू विल बी जस्ट कन्फाइंड टू कि ठीक है कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, इट इज़ ऑल फाइन, लेकिन ऐसा नहीं है. कॉलेज में एडमिशन लेना एक अलग चीज़ है, और स्टडीज़ को कंटिन्यू करना, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, लर्न करना, अप्लाई करना, वो एक दूसरी चीज़ है जो ग्रोथ में आती है. इन जनरल हम बोलते हैं ना ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट. ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगी, जो हालत आप लोगों की है, यू डोंट इवन मेक अ सिंगल कॉल, एक बच्चे ने मुझे पूछने की हिम्मत नहीं की, एक भी बच्चे ने मुझे जहमत नहीं उठाई है पूछने की मैम ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कैसे करना है. मैंने जो मटेरियल भेज दिया दैट इज़ ऑल फाइन. नाउ ऑलमोस्ट इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट अ मंथ, 15 दिन मेरी ट्रेनिंग थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी, आई कुडंट सेंड यू वीडियो, बना नहीं पा रही थी, तो यू हार्डली रिस्पॉन्डेड कि कंटेंट नहीं आ रहा. इट क्लियरली शोज योर लीनियंट एटीट्यूड, योर नेग्लिजेंट एटीट्यूड एंड योर कैजुअल एटीट्यूड, कोई बात नहीं, बट इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अलॉट, आपको कॉस्ट करेगा. ऑलमोस्ट मेरे सारे चैप्टर्स के वीडियोज यूट्यूब पर मिलेंगे. स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सेम, लेकिन मेरे अपने बच्चे वो एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, वो देखते ही नहीं हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा ना कि सब कुछ नॉर्मल होगा, तो मैम एक एक लाइन जो है कॉलेज में बिल्कुल नहीं करवाऊँगी. आपको इन्हीं को वीडियोज़ को सुन के आना है, अंडरस्टैंड करके आना है. क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, चैप्टर का कुछ नहीं डिस्कस करने वाली मैम, क्योंकि मैंने आपको इतनी मेहनत करके वीडियोज़ भेजे हैं. आपका अगर 20 मिनट का वीडियो बनता है ना, आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट फॉर एन आवर. एक घंटे की मेरी मेहनत है जो 20 मिनट का आपको कंडेंस्ड मिलता है. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. आप चुपचाप वीडियो देखोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, आप यू विल कम टू मी विद क्वेश्चंस ओनली जब भी कॉलेज खुलेंगे, जब भी ऑर्डर्स आएंगे कि कॉलेज खुल चुके हैं. These things they should be clear to you. Now our last question is there, which is whichever remains very very important. एक ही question आता है. Theme of the poem, summary of the poem, इसको आपने prepare करना है properly, क्योंकि lengthy question में से ये एक ही question आएगा. So we have finished that, the very section which deals with the color discrimination वाला हो गया, और जो गर्ल चाइल्ड की लाइफ के ऊपर बेस्ड था उसकी हमारी एक पोइम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर WVG इट्स की पोइम बचती है. फर्स्ट सेक्शन जो हमारा कलर जो हमारा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला है, वे आई फिनिश इट दैट. तो लॉजिकली मैं आपके जो है 4, 4, 8 and 11 जो यूनिट चैप्टर्स हैं आपके वो हो चुके हैं एक तरह से देखा जाए, इंक्लूडिंग पोइम्स एंड ऑल दैट. लेकिन आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो. सो मुझे तो लगता है यू नीड टू बी अलर्ट. नो उठ जाओ अब नींद से और पढ़ाई का काम करो अपना, ठीक है. नॉन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आर 4th यूनिट. सो गुड डे.